जिनको लगता है कि मजे लूटने आया है, उन्हें क्या पता कि हमने क्या क्या गंवाया है। उसूल बिल्कुल पक्के हैं, कामयाबी पे तारीफ होगी और हार पे ताना होगा। दुख में कुछ लोग ही साथ होंगे और सुख में सारा जमाना होगा। टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 7:19। वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग टोटली फाइन। तो भैया लेह नगरी में आपका स्वागत है। अभी मतलब हम लोग हैं लेह में, अभी अंदर चलते हैं। विनय भी रेडी हो रहा है, मैं नहा धोकर रेडी हो गया। और आज जहाँ पहले और आज आपको बताते हैं सबसे पहले कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो आज हम जाने वाले हैं सियाचिन बेस कैंप। यस, मस्त मजा आएगा। पिछली बार हम दोनों बार सियाचिन बेस कैंप नहीं गए थे। मैंने बताया कि इस बार हम लोग उन जगहों पर जाएंगे जो पिछली बार हम नहीं जा पाए थे। वो मेरी बाइक का टॉप बॉक्स दिख रहा है आपको वहाँ हमारी अंदर इनकी क्लोज पार्किंग है, वहाँ हमारी बाइक खड़ी है। और कल का दिन मतलब हमारा ले में हमने डिलीट कर दिया। पूरा दिन हम सोए और कुछ नहीं किया। शाम में जाके थोड़ा बहुत इन्जॉय किया, मार्केट घूमे, खाया पिया, थोड़ा सा ले को एक्सप्लोर किया। रात में मज़ा आता है। और सबसे सरप्राइजिंग बात इस बार जो है ना, पूरा ले भाई खाली पड़ा है, मतलब टूरिस्ट है ही नहीं, जबकि ये पीक सीजन है। और पता है क्यों बताता हूँ, पहले एग्जांपल लेता हूँ। ये जो होटल है ना, डेस्किट विला, अच्छा होटल है यार, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छे रूम्स अभी आपको दिखाएंगे। एक भी रूम पिछली बार खाली नहीं था। हमने एक दिन के लिए बुकिंग की थी और मैं जब एक्सटेंड करना था तो उन्होंने मना कर दिया था, हमें दूसरा होटल लेने पड़ा था। इस बार पूरे होटल में सिर्फ 3-4 लोग ही हैं और कोई नहीं। और वो इसलिए क्योंकि लेह की जो फ्लाइट है ना दिल्ली से और सिटीज से, गो एयर की फ्लाइट बंद हो गई हैं और बाकी फ्लाइट इतनी महंगी है कि टूरिस्ट आ ही नहीं पा रहे। मतलब एग्जैक्टली लेह पूरा खाली पड़ा है। एनीवेज, कल हमने दो और इम्पोर्टेंट काम कर लिए थे लेह में। पहला तो अपनी दोनों बाइक्स बिल्कुल धुला दी थी तो अभी साफ हो गई हैं। देखो एब्सोल्युटली तो साफ नहीं हो पाई बट साफ हो गई, काम चलाओ। और दूसरा, कल रात में 12 बजे में याद आया कि हमने अपनी चेन क्लीनर ल्यूब नहीं करी है, तो वो हमने कल रात में 12 बजे चेन क्लीनर ल्यूब कर ली थी। तो आज मतलब बस रेडी होकर सीधा निकलना है। विनय बाबू की KTM बिल्कुल रेडी है, अपना बीमर बिल्कुल रेडी है, सामान मोस्टली पैक कर दिया है। बस नाश्ता करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अरे भाई साहब, रेडी रेडी सामान सामान रेडी कर लो, फिर नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। ब्रेकफास्ट तो और ये हमारे काउबॉय अपने हॉर्स राइडिंग हॉर्स की तरफ हॉर्स राइडिंग करने के लिए तैयार है। ये हॉर्स हमारा डे टू स्टार्ट करने का टाइम आ गया। चलो भाई, जय बजरंग बली, डे टू बिगिंस। तो आज का रास्ता अगर आपको बताएं तो हम लोग जाने वाले हैं सियाचिन बेस कैंप, जो कि अभी खुल गया है, बीच में बंद हो गया था बट अभी खुला हुआ है टूरिस्ट के लिए। तो अपन वहां चलेंगे, पिछली बार अपन नहीं जा पाए थे। और वहां पहुंचने के लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले माइची खारदुंगला पास, जो कि हम फिर से लगातार तीसरी साल जाएंगे। उसके बाद अपन जाएंगे नुब्रा वैली में। नुब्रा वैली से होते हुए रास्ता जाता है सियाचिन बेस कैंप का। नुब्रा वैली में हम लोग सुमूर साइड जाएंगे, नॉट डिस्किट साइड। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए पहुंचेंगे सियाचिन बेस कैंप। तो काफ़ी थ्रिलिंग दिन रहने वाला है। खारदुंगला पास क्रॉस करेंगे, जो कभी हाईएस्ट मोटरेबल पास हुआ करता था। और उसके बाद देखेंगे और कहाँ कहाँ क्या क्या आपको दिखाएंगे बेहतरीन नुब्रा वैली, सुंदर सुंदर। और अगर अभी तक आपने हमारा पहला व्लॉग नहीं देखा है जिसमें हम दिल्ली से लेके लेह तक नॉन स्टॉप आए हैं, मतलब तावर तोड़ राइड करते हुए, तो आप ज़रूर देखो। ऊपर आई बटन में मैं जो है उसका लिंक दे रहा हूँ। बाकी अपना बीमर बिल्कुल चमक रहा है और ये देख के हम लोगों का दिल खुश है, बिल्कुल गार्डन गार्डन है जिसको बोलते हैं, क्योंकि बाइक साफ और बाइक चलाने में तभी मज़ा आता है गुरु। सर आईडी प्रूफ? हाँ, इसी 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 में दिखा दूँ आईडी प्रूफ। ठीक है, थैंक यू।
थैंक यू अरे सर थैंक यू। आप लोग आज कहाँ जा रहे हो? नुब्रा हम लोग भी नुब्रा ही रुकेंगे सियाचिन बेस कैंप जाके। हाँ तो मिलते हैं फिर नुब्रा में। ठीक है ओके ओके बिल्कुल 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 थैंक यू बाय बाय। टीम वर्सेस मिल गई हमें और अपने सब्सक्राइबर भाई लोग यार मस्त मज़ा आता है। और हमारा परमिट चेक हो गया है। परमिट में यहाँ पे जो चेकिंग होती है आपकी गाड़ी की आरसी चेक होती है आपकी आईडी चेक होती है दोनों में नाम मैच होना चाहिए। फैमिली मेम्बर्स की गाड़ी कोई दिक्कत नहीं चलेगा। और परमिट चेक होता है जो लेह लद्दाख का परमिट है वो भी आप ऑनलाइन ले डीसी की जो साइट है उससे ले सकते हो। एनीवेज आप अपन चलते हैं और पहला जो टारगेट है वो है खारदुंगला। भाई लोडेड बाइक चलाने में जो मज़ा आ रहा है ना हर दिन हम बस इसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं कब हमारी बाइकें निकलेंगी और कब हम रास्ते में पहुंचेंगे। बस साइड देना भाई। तो अभी उस तरफ से आने वाला ट्रैफिक तो कुछ है नहीं इधर से जाने वाली जनता है पूरी। ओ भाई नज़ारों की शुरुआत हो चुकी है यहीं से। क्या बात है जी क्या बात है। इतनी तीसरी बार ले आ रहे हैं लेकिन मतलब वही एक्साइटमेंट है यार। मतलब मेरे को पर्सनली मैं बताऊं तो स्पीति वैली इज़ गुड स्पेशली इन विंटर्स। विंटर्स में स्पीति वैली सुंदर है क्योंकि खुली रहती है लेह लद्दाख बंद हो जाता है मोस्टली। लेकिन भाई बाकी सीजन में लद्दाख इज़ लद्दाख। यू मतलब यू कांट बीट लद्दाख। आज हम छटक या नहीं लगाएंगे नहीं तो इंजन के ऊपर ना लोड आएगा थोड़ा। लगाने को लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। खारदुंगला की चढ़ाई इतनी स्टीप है देखो सिर्फ 10 किलोमीटर हम लोग चले हैं और कितना ऊपर आ गया दिख रहा है आपको नीचे बिल्कुल। अभी तो बहुत ऊपर जाना है अभी तो 18,000 फीट पे जाना है भाई। ओ भाई यहाँ तो जाम सा लग रखा है। ओह माय गॉड ये तो हमें नहीं चाहिए था। दिस इज लद्दाख फॉर यू। आपको ही टेंशन नहीं हमें टेंशन सिर्फ पहले दिन की थी कि पहले दिन हमें दिक्कत ना हो। हिमालयन की तो बारात निकलती है बट बाइक अच्छी है ये तो मानना पड़े। चलो हमारे आते ही जाम भी खुल गया भैया ये अच्छा हुआ। देखो भाई लोग प्लेटिना में है शायद कैंप वैम्प लेके आए हैं और जज्बा होना चाहिए सही बात। हाथ में बैग पकड़ रखे हैं भाई लोगों ने तो लेकिन ये भी कहेंगे कि हम लद्दाख करके आए हैं। प्राउडली TVS की बाइक है कोई। ये रोड बनती है टूटती है बनती है टूटती बस यही होता रहता है पूरे सीजन। भाई खाली पड़ा है सही में। और अभी देखो खारदुंगला जाके बिना रियलिटी पता चल जाएगी। पिछली बार जब हम खारदुंगला गए थे तो हमें मतलब फ़ोटो खिंचाने के लिए भी 15 मिनट वेट करना पड़ा था और मन भी नहीं हो रहा था इसी भीड़ थी ना भाई हमने ड्रॉप ही कर दिया प्लान। सो दिस इज़ ए व्यू पॉइंट ऑफ खारदुंगला। और भाई व्यू पॉइंट का एक बक्सा भी बना दिया है। हेलो ब्रो चैनल में फॉलो करता हूँ। थैंक यू। हेलो मैम हेलो चेंज की है भाई। हाँ जी चेंज करी अभी लास्ट मंथ। हाँ जी आपका चैनल मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। अरे थैंक यू आप लोग भी खारदुंगला जा रहे हैं आज? अरे बढ़िया सही है बिल्कुल। तो आप लोग क्या अपनी बाइक से आए हैं वहाँ से कर्नाटका से? तो दिस इज द ले व्यू पॉइंट। यहाँ पे ना एक ब्रैकेट सा भी बना दिया मस्त सा सही है यार बढ़िया लग रहा है देखने में। यहाँ से क्या नज़ारे दिखते हैं आप। ओ भाई अल्टीमेट लद्दाख। मेरे को लग रहा है इस हॉटस्पॉट से ज्यादा तो ये हॉटस्पॉट हो गया फोटो खिंचाने के लिए। जल्दी निकल लेते हैं। हाँ जी आप इसके बाद 1250 क्या ही करेंगे। इट्स मोर देन सफिशियंट। तो आप क्या मतलब दिल्ली से ले डायरेक्ट मार रहे हो? हाँ दिल्ली से ले हमने 30 घंटे में कर लिया नॉन स्टॉप। जितनी फोटो हमने नहीं खींची उतनी फोटो हमारी बाइक पे लो। बाय बाय। उतनी फोटो लोगों ने हमारी बाइक पे खींच ली। एनीवेज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स खारदुंगला पास। विनय बाबू का विंटर लाइनर पहनना रह गया तो वो अभी पहनेंगे कहीं रोक के। ये जगह आ गई ठीक है यहाँ रुकता हूँ। साला मतलब तुम सोलो राइड तो कर ही नहीं सकते हो। नहीं मैं बड़ा फैन हूँ। मैं जैकेट पर ये स्टैंड लगा दूँ इसका। विनय को जो है अपना वो पहनने के लिए एक बंदे की जरूरत पड़ती है।
अरे इस बार पहन लिया तुमने। और बता भाई लोग, मौत चल रही है कि नहीं चल रही है? मौत चलती रही जी भैया, हमारी तो खारदुंगला पहुंचने पे मौत चलती ही जा रही है। और बोलना तो पड़ेगा भाई लद्दाख के लिए, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। विनय बाबू अपने मुझे ये क्या सुविनर छोड़ के जा रहे हो क्या लद्दाख में? लो सही से रखो उसको, ला मैं अपने उस पर डाल दो। अरे ये कैसे दबा, लाओ छोड़ो हट साला, इसीलिए हम टाइम पे नहीं पहुंचते। कहीं कहीं हमारा मोजा, कहीं हमारी चड्डी, बस यही निकलता रहता है हमेशा। चलो सीधे भैया, आप जो गिरे जो गए, विनय तुम भी गिर गए तो मैं उठाऊंगा नहीं साला, जो हो गया। ओ भाई यार, डेमोक्स पहन खा लेनी चाहिए थी, मेरे को ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा सर चकराया, इस बार ठंड ज़्यादा है ना विनय। तो जी खारदुंगला से थोड़ा पहले आता है एक साउथ पुल्लू, वो सामने आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं, वो वहाँ पे आई थिंक हमारा परमिट चेक होगा, क्योंकि पिछली बार तो हुआ था तो इस बार भी होगा ही होगा। तो जो ले का परमिट वर्मिट ले के आते हैं ना, वो देखना होता है। तो यहाँ पे ना मेडिकल असिस्टेंस भी मिलता है, अगर किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही हो या कोई दवा नहीं है या अनइजीनेस फील हो रही हो तो यहाँ रुक के आप मेडिकल हेल्प ले सकते हो। यहाँ आपको ना अपनी बाइक की एंट्री करानी होती है, बाइक की डिटेल्स, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह ये सब देना होता है। ओके थैंक यू सर। यस यस, टुडे वी आर गोइंग टू नुब्रा वैली, नुब्रा। हाँ ओके, थैंक यू सर फॉर सपोर्ट। ओके बाय बाय, चलो विनय। अच्छा बढ़ो भाई, लोग मिल रहे हैं यार, इतना प्यार मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। एक घंटा क्या चार घंटे लेट हो जाएंगे, डजेंट मैटर। लो भाई लूट लो नज़ारे, इस बार खारदुंगला पे लग रहा है ज़्यादा बर्फ़ है। काफ़ी स्टार्टिंग से बर्फ़ स्टार्ट हो चुकी है, अब हम थोड़ा नॉन स्टॉप चलाएंगे क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो थोड़ा लंबा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम अपन यहाँ ख़राब नहीं कर सकते, दूर से ही मज़े लेते हैं। लोग तो भाई इंजॉय भी कर रहे हैं इसमें, देखना इस बार ये बाइक्स खारदुंगला पे कैसा परफॉर्म करती हैं। CV500X तो मक्खन की तरह गई थी, हाइनेस एक बार दिक्कत हुई थी, दूसरी बार बिल्कुल मक्खन की तरह गई थी जब ECU अपडेट हो गया था उसका। अब इसका देखते हैं भैया बीमर कैसे जाती है, अभी तक तो टिल नाउ इट्स डूइंग गुड, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। कुछ फीलिंग्स ऐसी होती ना जब मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, हो सकता है आप मेरी आवाज़ से, आप मेरे लहजे से समझ पा रहे हो, बट ऐसी जगह पर आने का एक अपना एक जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है ना कि मतलब हाँ यार कुछ किया, वो आपको हर जगह नहीं मिलता। और जो राइडर है, जो मतलब घूमने का शौक रखता है, ट्रैवलर है, राइडर है, उससे ज़्यादा ये कोई बात समझ नहीं चलता, हर कोई कनेक्ट नहीं कर पाता है ना। तो वही बात है ना, टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड बाइक पे दिखा रहा है, हवा इतनी तीखी है कि आपके होंठ मुँह नाक कान सब फटे जा रहे हैं, फ्रीज हुए जा रहे हैं, फिर भी यहाँ आने में क्या मज़ा आया है ना। तो देखो जिनको पता है उनको बताने की ज़रूरत नहीं, और जो जिनको पता नहीं उनको मैं बताना भी नहीं चाहता। बात सीधी सी ये है, जो है सो है। ओ भाई सफ़ेदी की चादर और ऊपर भयंकर स्नोफॉल हो रहा है, तो अगर हम लोग लकी रहे तो हम लोगों को ठीक ठाक स्नोफॉल खारदुंगला टॉप पे मिलेगा, और अगर हम लोग अनलकी रहे तो भयंकर स्नोफॉल मिल जाएगा। दोनों केस हैं। ओ भाई नज़ारे नज़ारे, लूट लो नज़ारे। तो भाई लोग आपकी खिदमत में स्नोफॉल पेश हो चुका है। टक 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 बज रही है स्नो। यार खारदुंगला रोड पे तो पहली बार स्नोफॉल देख रहे हैं विनय ना। ओ भाई पिछले दोनों बार खारदुंगला पर स्नोफॉल नहीं मिला था, उस पे मिली थी चांगला पास पे, तांगलांगला पे मिली थी, बट कोई ना भैया यही तो थ्रिल है, यही तो एडवेंचर है भाई। आगे और है विनय। अभी तो बारिश भी हो रही है, स्नो में तो सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बारिश में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है GoPro को। मेरा GoPro भाई बंद हो गया था मीडियम मोड में, हीटर से उसको गर्म किया ड्रायर से तब चला, साला चार्जिंग लेना बंद कर दिया था गरम। अरे भाई बहुत तेज स्नो गिर रही विनय बे। अबे यार मेरे को आई थिंक विंटर लाइनर पहन लेना चाहिए, अपना रेन लाइनर पहन लेना चाहिए, है ना। नहीं ये जैकेट भीग जाएगी, साइड में रोकते हैं विनय, ठीक है। ओ भाई हैवी स्नोफॉल,
थर्माकोल की तरह अबे तो दस्ती चली जा रही है, थर्माकोल की तरह स्नो गिर रही है। क्या स्नोफॉल हो रहा है भाई, और ना चक्कर आने लग गए। तब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं जल्दी से खरदुंगला। भाई अब निकल लिए हम लोग खरदुंगला के लिए, मौसम ख़राब है, स्नोफॉल हो रहा है, ये तो उम्मीद नहीं करी थी। ओ मैन, तो ज़्यादा हो गया एडवेंचर, थोड़ा चक्कर से आ गया हम लोगों को एक्साइटमेंट में। कोई ना, बाइक कल ही धुलवाई थी, कुछ फायदा। चलो ऊपर तो साफ है कम से कम, इट्स स्नोइंग लाइक हेल नाउ। गाड़ी ये भी नहीं आगे देखना, थोड़ा स्लीपी भी हो जाएगा, संभाल के चलना पड़ेगा, बिना कहीं भी फिसल सकते हैं, ज़्यादा तेज ब्रेक नहीं लगाने। ये बाइक अगर फिसल गई ना भैया, भगवान ही बचाए फिर तो, ज़्यादा हीरो नहीं बनते हैं ना, आराम आराम से चलते हैं। ये देखो सब ब्लैक आइस आ गई है रोड पे, डूबते को तिनके का सहारा है हीटेड ग्रिप्स। तुमने तो विंटर ग्लव्स पहन के हीटेड ग्रिप्स मस्त वाली ऑन कर ली। एनीवेज हम लोग खरदुंगला टॉप बस पहुंचने ही वाले हैं, इट्स नॉट वेरी मच फार। लो जी आपकी खिदमत में पेश है खरदुंगला टॉप, और यहाँ की भीड़ हमेशा की तरह भरी हुई बिल्कुल। रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, आर्मी ज़्यादा देर रुकने भी नहीं दे रही है। ठीक है सर, माइक पे अनाउंस हो रहा है बाइक में। अबे बिना यहाँ क्या ही रुके, चलो। अरे भाई भयंकर भीड़ है यार यहाँ तो, बिना एक मिनट रुकना भाई, रुकने का तो कोई फायदा नहीं है। बहुत चक्कर आ रहे हैं भाई ठंड की वजह से, एंड सांस तो पता नहीं, लोग इतने चढ़ रखे हैं खरदुंगला में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वी आर क्रॉसिंग इट विद ए बैंग। चलो बिना, बट नज़ारे हैं यार, व्यू अच्छा है इस बार, ये मानना पड़ेगा। टिल नाउ जर्नी जस्ट वाओ, क्योंकि जगह काफ़ी अच्छी है भाई, मज़े आ रहे हैं। गजब ऑफ रोडिंग है मैंने भी यहाँ तो। बाइक टेम्परेचर हो रखा है 1 डिग्री बाइक पे। ये हमने देखा ही नहीं था, ले में 14 था आई थिंक, फिर खरदुंगला टॉप पे 0 हुआ होगा विनय, पक्की बात है, हम ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि थोड़ा सा नीचे उतर आए हम, अभी 1 डिग्री है। हो भाई 0 डिग्री पे टॉप क्रॉस किया, तभी स्नोफॉल ज़्यादा हो रहा है इस बार मौसम थोड़ा भाई बेरहम है, थोड़ा अलग टाइप का है। मतलब पिछली बार विनय बिल्कुल नीला आसमान था और स्नो था, ठीक है, इस बार नो नीला आसमान, ओनली स्नो। ऑथेंटिक एडवेंचरस एक्सपीरियंस रहा इस बार खरदुंगला क्रॉस करने का, मज़ा आ गया कल से, हमसे चैलेंजिंग जिसको बोलते हैं। यो भाई दिस इज ट्रू लद्दाख, अच्छी रोड, खराब रोड, ऑफ रोड, स्नोफॉल, गर्मी, ठंडी, एवरीथिंग एट योर डिस्पोजल। ऑफ रोडिंग का मजा लेते हैं सैडलिंग करके। अब यार पिछवाड़ा तो भीग गया यार मैंने, साला बॉडी गर्म है, पिछवाड़ा ठंडा हो गया है, कुछ ना कुछ बॉडी का एक पार्ट ठंडा ही रहता है। और खरदुंगला पर तो गजब भीड़ होने लग गई यार, मैंने दोनों ही बाइक्स ने 18,000 फीट पे बिल्कुल स्टनिंगली परफॉर्म किया, मज़ा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल चकाचक चढ़ती चली गई। हाँ इनफैक्ट बाइक गर्मी लग रही थी बाइक्स को, तो हमारे पंखे भी ऑन रखे थे। अब हम लोग नॉर्थ कुल्लू पहुँचेंगे जो कि नीचे है, थोड़ा सा उतर के अभी, एंड स्नोफॉल इज ज़्यादा तेज हो गया भाई, वाइजर से दिखना बंद हो गया बिल्कुल। रास्ते की अगर बताएं आपको तो रास्ता मोस्टली अच्छा है, ले से लेके टिल खरदुंगला और यू कैन से नॉर्थ कुल्लू, बीच बीच में थोड़े पैचेस ऑफ रोड हैं बहुत ही छोटे छोटे, जहाँ पानी बहता रहता है स्नो मेल्ट होके, तो वो दैट तो वहाँ तो होता ही है ऑफ रोड पहाड़ पे, क्योंकि स्नो पिघलती है बर्फ़ से, पानी बहता है तो रोड तो बिल्कुल ख़राब हो जाती है पानी में। अब नॉर्थ कुल्लू से आगे की जो रोड है वो थोड़ी सी ख़राब है,
पिछली साल ख़राब थी, उसमें ऑफ रोड करना पड़ा था और उसमें काम चल रहा था, तो लेट्स सी एक साल में कितना बनी कितना बिगड़ी। वी हैव रीच्ड नॉर्थ कुल्लू। मजा आ गया भाई, लोग मजा आ गया, जो आना चाहता ना भाई आओ, एक बार इंतजार मत करो किसी चीज का, छुट्टी कभी नहीं मिलनी, निकालनी पड़ती है। चाहे बिजनेस हो, चाहे घर हो, चाहे खेती हो, चाहे नौकरी हो, कुछ भी हो, छुट्टी भाई ऐसे नहीं मिलती, सबको मेहनत करनी पड़ती है तो टाइम निकालना पड़ता है। ये सब भी कर लो बिना, लोग बोलते हैं इतना क्यों घूमना, तो भाई देखो छोटी सी जिंदगी है और इतनी बड़ी दुनिया है, तो घूमना तो पड़ेगा यार। नहीं तो कैसे घूम पाएंगे, कवर कर पाएंगे। यहाँ रोक के थोड़ा चाय पीते हैं, बस वहीं लगा देनी चाहिए थी, इतने भैया ऑफ रोडिंग ज़्यादा हो गए। तो अभी हमने अपनी बाइक यहाँ पार्क कर ली है और एक और बिग बाइक ग्रुप जा रहा है यहाँ से, टाइगर 800। वो गाड़ी अपनी बीमर थोड़ी गंदी तो हो गई है। यहाँ 3 BMW 1250 GS एंड GSA एंड दैट इज़ अनदर टाइगर। थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रहा होगा आवाज़ में क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। विनय बाबू ने अपने कारतूस सब यहाँ रख दिए हैं। हमारी चाय आ गई, चाय पीते हैं विनय बाबू और फिर यहाँ से रफू चक्कर होते हैं। सफ़र लंबा है, आवाज़ देख रहे हो कितनी सेक्सी होती है। व्हाट ए साउंड मैन, देख रहे हो कैसे चल रही है, टॉर्क भाई इतना होता है ना इस बाइक पे। तो भाई दूर पहाड़ों पे ना अभी भी भयंकर स्नो फॉल हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हो ना, ये देखो पूरा स्नो उड़ता हुआ आ रहा है और क्या व्यू है, बहुत ही ज्यादा ठंडा मौसम, मतलब मजे आ रहे हैं, लिटरली इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। मैंने माइक लगाया तब आवाज सही आ रही है, अदरवाइज आवाज खराब आ रही होती। ये देखो विनय बाबू क्या कर रहा है। वो देखो मस्त नदी से पानी बह रहा है, बेहतरीन सा अच्छा व्यू है। बीमर अपनी साफ हुई थी, फिर से पूरी गंदी हो गई और विनय KTM, बट बाइक्स आर परफॉर्मिंग टू गुड जिसको बोलते हैं। मजा आ रहा है और नज़ारे अच्छे, इस बार दिल बहुत खुश है, पता है क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्थ कुल्लू है ना, नॉर्मली आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती यहाँ पे, बट इस बार बिल्कुल खाली है, क्राउड है ही नहीं, और क्राउड इसलिए नहीं है क्योंकि ले में लोग ही नहीं है। तो एनीवेज ये व्लॉग मैंने सोचा यहाँ ख़त्म करते हैं खारदुंगला पे, क्योंकि अब इसके बाद हम जो जाने वाले हैं वहाँ अलग नज़ारे हैं और एक व्लॉग बहुत लंबा बनाना सही नहीं जाता, तो ज़्यादा व्लॉग्स बनेंगे आपको ज़्यादा नज़ारे मिलेंगे और व्लॉग छोटा भी रहेगा तो मज़ा भी आएगा, मतलब 20-25 मिनट का व्लॉग तो बन ही जाता है। अब अगर पूरे नज़ारे में दिखाऊँ ना यहाँ से सियाचिन तक के, तो 50 मिनट का व्लॉग चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ तक आपको भयंकर नज़ारे दिखाए। और विनय बाबू भगलो, विनय बाबू भगलो। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, हमने खारदुंगला पूरा स्नो में कवर किया, पूरा अच्छे से दिखाने की कोशिश करी। देखो ड्रोन यहाँ अलाउड नहीं है इस एरिया में ना, थोड़ा आर्मी का बेस, आर्मी के कैंप्स वगैरह हैं। तो ठीक है यार, फिर ये कुछ रास्ता हमने खारदुंगला तक का दिखा दिया आपको, मस्त मजे आए। और अब नेक्स्ट व्लॉग में यहीं से स्टार्ट करेंगे नॉर्थ कुल्लू से और सीधा चलेंगे सियाचिन बेस कैंप। बहुत ही बढ़िया नज़ारे आने वाले हैं आगे, बहुत मज़ा आने वाला है, मस्त ड्रोन भी उड़ाएंगे और अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे। तो यार सपोर्ट दिखाते रहना, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियोस को ना लद्दाख सीरीज की वीडियोस को, पहले वीडियो को, दूसरे वीडियो को, जितना ज़्यादा कमेंट और लाइक करोगे ना उतना ज़्यादा रीच बढ़ेगा, तो उससे हमें हेल्प होगी, हमारा मतलब मोटिवेशन बढ़ेगा, हमारी रीच बढ़ेगी चैनल की, यार वो भी करना। तो ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। दिस इज दीप रंजन सचान साइनिंग ऑफ फ्रॉम खारदुंगला टॉप एट 18,000 फीट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, एंजॉय। भाई पीछे की लॉक खुला हुआ है, चाबी लोगी लगा के छोड़ रखी है, अभी नोटिस किया मैंने। ये देख रहे हो भाई लोगों, हमारे कितने रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हम चाबी लगा के पीछे वाला टॉप बॉक्स खोला हुआ है। सर एक सेकंड रुकना।